हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्या करने वाली हूँ, आज क्या की थी मैंने, दो वैरायटीज ऑफ पोथोस एक साथ लगा दिया था। इसके चक्कर में एक वैरायटी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा था, दूसरे का अच्छे से नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि क्या किया जाए, चलो इसका एक डेकोरेशन ही कर डालते जिसका ग्रोथ अच्छा है, ताकि उस चक्कर में जिसका ग्रोथ स्लो हो रहा है उसको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाए अच्छे से ग्रोथ होने के लिए। मैंने मेरे पास पड़ा हुआ था जूट की दो स्टेम, उसको भी इस्तेमाल कर दिया। थोड़ा सा वायर पड़ा हुआ था उसको भी मैंने इस्तेमाल किया, अच्छे से उसको बम्बू स्टिक से लगाई। जो ऐसे देख रहे थे ना, एक बार से हो जा रहा था नहीं हो रहा था, मैं बार बार कोशिश कर रही थी, गिर ही जा रहा था। तो इसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा शोपीस लगाई। हाँ, दिखते हैं शोपीस टूटा हुआ है, क्योंकि ये मेरे बेटे का क्रियाघर आया है। तो उन्होंने क्या किया था, मेरी जितनी सारी शोपीस थी शोकेस से निकाली और बचपन का सारा तोड़ फोड़ डाला है। तो उसके ही चक्कर में ये इस्तेमाल मैं सोची कि कर दूँ आज थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसी छोटी छोटी पीसेस रह जाती है तो बाद में काम भी आ जाती है। थैंकफुल होना चाहिए मेरे बेटे के, क्योंकि ये एक झूला था और इसको मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, बार बार निकल जा रहा था। देखिए पीछे भी आ चुका है डिस्टर्ब करने, मम्मी क्या कर रही हूँ इसको लेकर, ये आ ही जाता है, परेशान कर देता है। बट इसका जो आउटकम आया बड़ा ही बढ़िया आया। अब इसका जब प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी तो बड़ा सा बढ़िया दिखेगी और दिख भी रही है बहुत खूबसूरत सा। तो ये भी इस्तेमाल कीजिए, और घर में आप लोगों क्या क्या डिज़ाइन बना है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसा लगा मेरा रियूज़ का आइडिया। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।